वेलकम बैक। देखिए, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टेलर सीरीज़ देखा था, और टेलर सीरीज़ से कैसे हम लोग विद इन दी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज जो है हम लोग लॉरेंज सीरीज़ देखेंगे, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी समझेंगे। आपको खूब मज़ा आएगा, आप इसको लास्ट तक बगैर स्किप किए देखिए, ठीक है। देखिए क्या है लॉरेंज सीरीज़। पहले तो ये है कि अगर हम किसी फंक्शन एफ जेड को उस पॉइंट के अबाउट में एक्सपैंड करना चाहते हैं जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है, देन वी कैन यूज़ लॉरेंज सीरीज़ एंड नॉट टेलर सीरीज़, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट पे फंक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है, तो डेफिनेटली वी गो थ्रू लॉरेंज सीरीज़, बिकॉज जो हमारा टेलर का सीरीज़ था, तो टेलर के सीरीज़ को हम लोग सिर्फ उस ही रीजन में एक्सपेंड कर पाते थे जहाँ पे वो एनालिटिक होता था, ठीक है। चलिए तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका, लॉरेंट सीरीज़ का। इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इन साइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द रिंग सेप्ड रीजन एस। रिंग सेप्ड मतलब रिंग के जैसा सेप होगा, जिसको हम लोग एन्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है। बाउंडेड बाई टू कंसेंट्रिक सर्कल्स सी वन एंड सी टू विथ सेंटर एट जेड नॉट एंड रिस्पेक्टिव रेडियस आर वन एंड आर टू, वेयर आर वन इज़ ग्रेटर देन आर टू, देन फॉर एवरी जेड इन एस, ठीक है। तो इस तरह के एनुलस के लिए देखिए फिगर यहाँ पे बना हुआ है। इस तरह का अगर आप एनुलस लेते हैं जो जो है कंसेंट्रिक सर्कल से बना हुआ है, सेंटर्ड एट जेड नॉट एंड आर वन आर टू रेडियस है, जहाँ आर वन आपका आर टू से ग्रेटर है, तो इस रीजन में यानी ये जो आपका रीजन एस है, ये जो आपका एनुलस एस है, इस पूरे येलो रीजन के लिए जो येलो कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके लिए जो एफ जेड का एक्सपेंशन होगा वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर के अबाउट में, ठीक है, ये जो एक्सपेंशन किया गया है, तो इसमें जेड माइनस जेड नॉट का पॉजिटिव पावर भी आपको दिखेगा, ठीक है, और निगेटिव पावर भी दिखेगा, करेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें आपको पॉजिटिव पावर है ना, क्या है, पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, इसमें क्या है, इसमें आपका निगेटिव पावर है, ठीक है, निगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है जी। तो अब देखिए ये जो पॉजिटिव पावर है, तो यही तो आपका टेलर्स पार्ट है, जो टेलर का सीरीज़ होता है, तो टेलर का सीरीज़ में सिर्फ हमको पॉजिटिव पार्ट मिलता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम टेलर्स पार्ट भी बोलते हैं, टेलर्स पार्ट बोलेंगे, ठीक है, कि लॉरेंज में ये जो पार्ट है लॉरेंट का, ये टेलर्स पार्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव पावर आपको मिलेगा, और हम लोग इसको रेगुलर पार्ट भी बोलेंगे, ठीक है, दिस इज़ द रेगुलर पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, जिसमें निगेटिव पावर है, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको सारा काम करना है ना, वो समझ लीजिए इस निगेटिव पावर वाले से हमको करना है, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल पार्ट से, यानी जिसमें निगेटिव पावर मिलेगा आपको जेड माइनस जेड नॉट का, इससे आप बहुत तरह का जो है इंफॉर्मेशन आउटपुट निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जो सिंगुलरिटी होता है, देखिए एक बात समझिएगा कि पॉजिटिव पावर का मतलब ये है कि ये आपको कभी भी सिंगुलरिटी नहीं देगा, यानी ये जो पोर्शन है ना, ये आपको एनालिटिक वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, तो ये एनालिटिक वाला समझ लीजिए कि रीजन का इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल पार्ट है, तो डेफिनेटली क्या है, ये जो है आपका उस पोर्शन को बताएगा जहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, यानी आपको ये सिंगुलरिटी के बारे में बताता है, किसके बारे में, सिंगुलरिटीज़ के बारे में, ठीक है, यानी सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम निगेटिव जो ये जो पावर्स वाले टर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल पार्ट है, इससे हम सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर तो एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी है, वही है, ये एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया है,
ठीक है, जब आप पूरा सीरीज़ निकालेंगे ना तो वो इसी तरह का पैटर्न में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम लोग कभी कभार BN भी लिखते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को अगर आप मिला दें, इन दोनों को, तो आपका ये बन जाएगा। तो पूरा जो लॉरेंट का सीरीज़ है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ये। तो इसमें आपको देखिए माइनस वाला जब पोर्शन चलेगा तो आपको निगेटिव पार्ट मिलेगा, ठीक है, यानी प्रिंसिपल पार्ट, और जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर जीरो से जो स्टार्ट होगा। तो इसलिए देखिए इसमें जीरो है, ये ध्यान देने वाली बात है, और इसमें जीरो नहीं है, ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जीरो वाला पार्ट से जब स्टार्ट होगा तो सारा आपको फिर पॉजिटिव टर्म ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रिंसिपल पार्ट जो है हमारा वो जो है n इक्वल टू वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो रेगुलर पार्ट है वो n इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है। ये भी एक जो है मार्क करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ फ्रॉम प्रिंसिपल पार्ट, यानी प्रिंसिपल पार्ट से कैसे आप सिंगुलरिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, यानी निगेटिव पावर सीरीज़, ठीक है। जो टर्म्स निगेटिव पावर्स में हैं जिनको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, तो उनसे आप कैसे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर वन देखिए, रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है। इफ़ प्रिंसिपल पार्ट इज़ एबसेंट इन लॉरेंट सीरीज़, यानी आपने सीरीज निकाला, ठीक है, एक्सपेंशन आपने निकाला, लेकिन उसमें क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं, यानी कोई निगेटिव पावर नहीं आया, ठीक है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या दैट इज़ नो निगेटिव पावर, नो निगेटिव पावर, ठीक है, ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट का कोई भी निगेटिव पावर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव पावर वाले हैं, यानी ओनली आपको रेगुलर पार्ट मिलता है, कोई भी प्रिंसिपल पार्ट आपको नहीं मिलता। तो ऐसे केस में ये जो जेड इक्वल टू जेड नॉट है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जेड नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग, जेड इक्वल टू जेड नॉट इज रिमूवल सिंगुलरिटी बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग रिमूवल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि असल में ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ही होता है जो अगर रिमूव हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल सिंगुलरिटी बोलते हैं। तो रिमूवल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ये कब होगा, इफ़ प्रिंसिपल पार्ट कंसिस्ट इन फाइनाइटली मेनी टर्म्स विथ निगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नॉट। प्रिंसिपल पार्ट में अगर जेड माइनस जेड नॉट का आपको इनफाइनाइट टर्म मिल जाता है, तब ये जो जेड इक्वल टू जेड नॉट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसेंशियल सिंगुलरिटी। तब नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी है, ठीक है। और जब अगर आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है तो एक्सपेंशन से लिखने में आपको जो है सेकंड लगेगा, आप टैट देखेंगे और लिख लेंगे, ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके उसको कन्फर्म करेंगे, ठीक है। फिर है नंबर थ्री, तो इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ से पोल भी मिल जाता है, पोल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, और ऑर्डर ऑफ पोल भी मिल जाएगा। तो देखिए कैसे, इफ़ प्रिंसिपल पार्ट कंसिस्ट फाइनाइट नंबर को हम लोग एम मान लेते हैं कि एम मेरा फाइनाइट नंबर है, ठीक। सो इफ़ प्रिंसिपल पार्ट कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, अगर देखिए ये जस्ट उसका उल्टा है सेकेंड का, सेकेंड में आपको इनफाइनाइटली मेनी टर्म मिला जेड माइनस जेड नॉट का निगेटिव पावर में, तो आप उसको इसेंशियल सिंगुलरिटी कह दिए। अगर मिलता है लेकिन वो फाइनाइट नंबर मिलता है, यानी इनफाइनाइटली नहीं जाता और फाइनाइटली एम नंबर तक जाता है सपोज़ कीजिए, तब जेड माइनस जेड नॉट क्या कहलाएगा, तब आपका ये जेड माइनस जेड इक्वल टू जेड नॉट जो है पोल कहलाएगा ऑफ ऑर्डर एम। तो ध्यान दीजिएगा कि फाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव टर्म मिल रहा है प्रिंसिपल पार्ट में या इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है। इनफाइनाइट नंबर मीन्स इसेंशियल सिंगुलरिटी, फाइनाइट नंबर मीन्स पोल एंड दैट फाइनाइट नंबर इज ऑर्डर ऑफ दैट पोल, ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, इससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है वो है रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, आप एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में ये देख लीजिएगा कि कोएफिशिएंट क्या है, किसका, वन बाई जेड माइनस जेड नॉट का, ठीक है। तो वन बाई जेड माइनस जेड नॉट का जो कोएफिशिएंट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो ये हम लोग आगे चल करके हमको तो जो है कुशी का रेसिड्यू थ्योरम पढ़ना है,
तो कोसी का रेसिड्यू थ्योरम से जो आप काम करेंगे वो आप डायरेक्टली एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्सपेंशन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस वन, ठीक है, इंटू जेड माइनस टू, ये है। तो इसको हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड, ओके, एक्सपेंड करना है आपको। अच्छा, आपको इसके लिए जो है एक एनुलस भी दिया हुआ है, जो कि हम लोग जब भी लॉरेंट सीरीज़ करेंगे तो हम लोग, हमारे पास में क्या होना चाहिए, कुछ एनुलस होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्सपेंड आपको एक एनुलस दे रखा है, इन एनुलस, एनुलस, ठीक है, कौन सा, ज़ीरो जेड माइनस थ्री लेस देन थ्री, सॉरी सॉरी, ये नहीं दे रखा है यहाँ पे, चूँकि हाँ ये है आपका ज़ीरो जेड प्लस वन लेस देन थ्री है, ठीक है, ये जेड प्लस वन होगा, जेड प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे जेड प्लस वन, ज़ीरो जेड प्लस वन लेस देन थ्री, ठीक। ये आपको एनुलस दे रखा है, इसमें आपको एक्सपेंड करना है इस एफ जेड को, राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे जब एक्सपेंशन की बात आती है, तो आपने जो लास्ट वाला पढ़ा था तो आपको टेलर्स का भी याद आएगा कि आपको कैसे पता कि टेलर का करना है कि किस में करना है, ठीक है। देखिए अगर आपको टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इफ़ एक्सपेंड बाई टेलर सीरीज, ठीक है, अगर आपको टेलर सीरीज से एक्सपेंड करना होगा ना, तो आपको क्या चाहिए होगा, देन वी रिक्वायर्ड, तो हमको चाहिए होगा डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, वी रिक्वायर्ड डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, इसका डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस तो आप देख करके बता सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। क्या होगा, तो अगर हम लोग सेंटर जीरो ले लें, ठीक है, तो बड़ा से बड़ा रेडियस क्या लेना पड़ेगा मेरे को, माइन, ठीक है, वन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा, वो डेफिनेटली आ जाएगा आपका जेड, ठीक है, लेस देन वन, यही आएगा डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। सेंटर को हम लोगों ने जीरो ले लिया है, ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटीज़ वो क्या क्या है, वो है आपका एक जेड इक्वल टू माइनस वन है और एक आपका टू है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, माइनस वन बाउंड्री पे आ जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, तो दोनों आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप टेलर सीरीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए, अब देखिए, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो अभी ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। अभी अगर हमको एनुलस में करना है तो डेफिनेटली हमको लॉरेंज सीरीज से जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखिए लॉरेंज सीरीज से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे इसको, इसको जो एक्सपेंड करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये देखिए कि ये जो एनुलस आपको दे रखा है, ये एनुलस कैसा है, ठीक है। इस एनुलस को देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है डिलीटेड नेबरहुड, मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में ही, ठीक है, कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर रखी हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, सेंटर्ड एट जेड इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, जेड इक्वल टू माइनस वन के अबाउट में ये डिलीटेड नेबरहुड है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यही वाला बनेगा, ठीक है, यही जो है आपका उसको दिखला रहा है किसको, जीरो जेड प्लस वन और लेस देन थ्री को, ठीक है, इस डिलीटेड नेबरहुड को ये शो कर रहा है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि चूँकि ये डिलीटेड नेबरहुड है तो डेफिनेटली क्या है, वन पर, वन को देखिए मैंने, सॉरी माइनस वन पर, जो इसका सेंटर है माइनस वन पर भी ये एनालाइटिक नहीं होगा, ठीक है। और चूँकि इसका रेडियस देखिए जो है थ्री है, आउटर रेडियस, तो इधर से भी थ्री हो जाएगा यहाँ पे, तो टू बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा, इधर आपका माइनस फोर जो है वो बाउंड्री पॉइंट होगा, तो डेफिनेटली फिर आपका जो रेडियस है वो इधर से भी टू होगा और इधर से भी आपका टू होगा, ओ सॉरी थ्री होगा, थ्री, ठीक है, राइट। तो अब देखिए, तो ये है हमारा एनुलस जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बीच में छोटा सा पार्ट और फिर बाहर में बड़ा सा पार्ट और फिर बीच का जो रीजन है, ये वो रीजन है जिसमें आपका जो फंक्शन है
वो क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो डेफिनेटली माइनस वन यहाँ पे दिख रहा है, और जो बाउंड्री पॉइंट है आपका टू, ये जो है आपका सिंगुलर पॉइंट है, यानी यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिंगुलरिटीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमको अगर इसमें एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान होगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और पुट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है पुट कर देता हूँ, लेट क्या जेड प्लस वन इज इक्वल टू कुछ हम लोग सपोज कर लेते हैं टी, ठीक है। अगर जेड प्लस वन को टी सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू टी है वो लेस देन थ्री आ जाएगा, ठीक है, और जीरो से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। इसमें पुट अप कर देंगे तो अब देखिए, तो हमारा जो फंक्शन है वो एफ टी क्या आ जाएगा, तो हमारा फंक्शन एफ टी आ जाएगा, ठीक है। जेड को हटा दीजिएगा तो टी माइनस वन बन जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा टी, और टी माइनस वन रखेंगे तो ये टी माइनस क्या हो जाएगा, थ्री, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो ए बाई टी ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे, प्लस बी बाई टी माइनस थ्री ले लेंगे, ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू निकालना तो काफ़ी सिंपल है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टी माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी माइनस थ्री और प्लस बी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर हम टी को रख दें थ्री, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको बी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, थ्री माइनस वन और बाई थ्री, यानी आपका टू बाई थ्री। इसी तरीके से टी अगर हम लोग जीरो रख देंगे तो हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इधर माइनस वन और डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, यानी वन बाई थ्री। तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमको फंक्शन क्या मिल जाता है, तो देखिए हमको फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ए का वैल्यू क्या आया था, वन बाई थ्री टी, ठीक है, और बी का वैल्यू क्या आ गया आपका, टू बाई थ्री, ठीक है, यस टू बाई थ्री। तो टू बाई थ्री टी माइनस थ्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो करेंगे ना, तो हम लोग जो है जनरली अप्लाई करते हैं क्या, एक कन्वर्जेंट सीरीज़, और वो कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज़, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी कब कन्वर्जेंट होता है, तो आपको पता है कि वन बाई वन माइनस आर अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वन प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर क्यूब गोइंग टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर वन बाई वन प्लस आर है तो ये होता है अल्टरनेट वन माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, ठीक है, टू इन्फिनिटी। इन दोनों केस में ये कंडीशन है कि एब्सोल्यूट आर लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है, यानी जो कॉमन रेशियो है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में टी लेस देन थ्री है, तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू टी बाई थ्री है वो क्या होगा, वो लेस देन वन होगा, ठीक है। तो वी शुड हैव टू मैंटेन दिस रेशियो, हमको इस रेशियो में काम करना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं वन बाई थ्री टी ही छोड़ देता हूँ, ओके, प्लस यहाँ से देखिए ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो टू बाई नाइन माइनस में कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस टी बाई थ्री, राइट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा करते ही देखिए इस फॉर्म में ये चला आया वन माइनस आर, वन बाई वन माइनस आर, ठीक है। तो अब आपका देखिए एक्सपेंशन यहाँ से करना बहुत सिंपल हो जाएगा, कैसे करेंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका वन बाई थ्री टी माइनस टू बाई नाइन को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका इसका एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाएगा वन प्लस टी बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई नाइन प्लस टी क्यूब बाई 27 प्लस गोइंग टू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग टी को वापस अगर रख दें तो टी मेरा क्या था, ठीक है, हमारा टी का जो वैल्यू था वो था जेड प्लस वन, ठीक है, सो इट इज़ वन बाई थ्री जेड प्लस वन, ठीक है, माइनस टू बाई नाइन, ओके, माइनस देयर फोर टू बाई 27, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो, ठीक है ना, और टी, तो टी हमारा क्या था, टी है हमारा जेड प्लस वन, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस में टू बाई 81 जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, तो टी का वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। तो जो हमको एक्सपेंशन मिलता है फाइनली
वो यही मिल रहा है जो आप देख पा रहे हो। क्लियर है जी? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात है और वो ये कि ये जो पार्ट है आपका, इसमें सारा पॉजिटिव पावर है, ठीक है। सिर्फ आपको पॉजिटिव पावर्स मिले हैं, पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड प्लस वन, ठीक है। जबकि इसमें जो आपको मिला है, इसमें आपको नेगेटिव पावर सिंगल मिला है, ठीक है। नेगेटिव पावर का एक ही टर्म है, यही आपका क्या है, यही आपका प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है, और यही मेरा काम का है। तो इस तरीके से पहले तो आपने एक्सपेंशन कर लिया, आपका एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ये कि जेड इक्वल टू माइनस वन क्या है, तो जेड इज इक्वल टू माइनस वन आपका है पोल, इज़ ए पोल, ठीक है। ये पोल है और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हो जाएगा वन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक अगर रहता है तो वो क्या है, पोल है। तो चूंकि एक ही टर्म आया है तो ये फाइनाइट है आपका, तो इसलिए जेड इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ये जो सिंगुलैरिटी है ये क्या कहलाएगा, ये पोल कहलाएगा। और चूंकि एक ही टर्म है तो इसका ऑर्डर एक होगा, जैसा हम लोग ऊपर में पढ़े थे, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल पोल, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल पोल कहलाता है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंशन भी हो गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने जेड इक्वल टू माइनस वन को तो बता दिया कि ये सिंपल पोल है, ठीक है, लेकिन अगर टू का फैसला करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सीरीज़ जैसा होगा वैसा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी जो एनुलस था मेरा ना, वो जेड प्लस वन के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे देख रहे हैं। अगर जेड माइनस टू के लिए दिया रहेगा तो आप जेड माइनस टू के बारे में भी बता पाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों का जो टास्क है वो है इसको एक्सपैंड करना और वहाँ से जो भी आउटपुट मिलता है उसको निकाल लेना, ठीक है। आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप एनुलस चेंज कर देंगे ना तो क्या होता है, एक्सपेंशन भी चेंज कर जाता है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट एक्सपेंशन मिलता है इन डिफरेंट एनुलस, डेफिनेटली होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनुलस चेंज करेंगे तो हमारा एक्सपेंशन तो डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि मुझको इसी को एक्सपेंशन करना हो, सेकंड मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंड सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है, सेम जो ऊपर लिया था वही एफ जेड ले रहा हूँ मैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस वन और जेड माइनस टू, ठीक है, इसको ले रहा हूँ मैं इन और एनुलस में ले लेता हूँ, ठीक है। एक रीजन दिया हुआ है जेड प्लस वन ग्रेटर देन थ्री, ठीक है, तो इस रीजन में मेरे को अब एक्सपेंड करना है। तो देखिए, बार बार टी पुट करके भी किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको कॉमन रेशियो का ट्रिक देखना है कि हमको कॉमन रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन आना चाहिए, तब क्या होगा, तो जो इनफाइनाइट जीपी है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये अगर चीज़ है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेफिनेटली थ्री बाई जेड प्लस वन इज़ वाट, इट इज़ लेस देन वन, ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा, तो मेरे को ये रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एफ जेड है, ठीक है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, जो आया था हमारा टू बाई जेड थ्री जेड माइनस टू, ठीक है, और देयर फोर वन प्लस वन बाई थ्री जेड प्लस वन, तो यह था आपका पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे को ये मेंटेन करना है, तो जेड प्लस वन के लिए तो ये नहीं होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू बाई थ्री, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस वन माइनस थ्री, ठीक है, प्लस वन बाई थ्री जेड प्लस वन, राइट, क्लियर। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, प्लस अब इसको लिखता हूँ, तो इसको देखिए ये बनाना है मेरे को, ये मेरा टास्क है कि हम इसको मेंटेन करें। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जेड प्लस वन को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बाई थ्री जेड प्लस वन, ठीक है, और अंदर में आपका आ जाएगा वन माइनस थ्री बाई थ्री डिवाइडेड बाई जेड प्लस वन, ठीक है। तो मेंटेन हो गया, तो काम करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वन बाई भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका वन बाई थ्री जेड प्लस वन, ओके। अच्छा, ऐसे आप अगर देखें ना तो दोनों में अब ये कॉमन नज़र आ रहा है मेरे को, तो हम लोग चाहे तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे कॉमन ले लूँ टू बाई थ्री जेड प्लस वन को, ठीक है,
या 1/3 जेड प्लस 1 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या चलिए 2/3 ही ले लेते हैं, तो 2/3 जेड प्लस 1 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शुरू में 1/2 प्लस, ठीक है, इसमें आपका सिर्फ ये एक्सपेंशन बचेगा 1 - 3/ जेड प्लस 1 का इन्वर्स, ठीक है, यानी वो इनफाइनाइट जी पी आपको आ गया है, ठीक है, इसलिए कि हम लोग ये देख रहे हैं जो रीजन दिया हुआ वहाँ से कि 3/z+1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपली इस तरीके से आ जाएगा 1 2/3 z+1, ठीक है, दिस इज़ 1/2 प्लस, अब इसको आप खोलिएगा तो 1 + r यानी 3/z+1, ओके, फिर प्लस r² सो 3/z+1 होल स्क्वायर प्लस r³ 3/z+1 होल क्यूब एंड गोइंग टू शो ऑन, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आपका देखिए एफ जेड यहाँ पे तैयार हो गया है, तो देयरफॉर जो एफ जेड है वो क्या आ जाता है, वो आपका आ जाता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये तो हट जाएगा 2, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये दोनों मिला करके आपका 3/2 हो जा रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ शुरू में आपका 1/z+1 बचेगा, ठीक है, फिर अंदर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा आपका 3 कैंसिल 2/z+1 का होल स्क्वायर, फिर उसमें जाएंगे तो 1 3 कैंसिल होगा 2 3 जै 6 z+1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस फिर इसमें जाएंगे तो आपको ऊपर में 18 आ जाएगा 2/z+1 का होल 4, और इस तरीके से ये बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी आपको सिर्फ निगेटिव पावर ही मिल रहा है, ओनली क्या है, निगेटिव पावर्स आपको मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पावर है ही नहीं, यानी ये क्या है, यानी आपका ये सिर्फ आपको प्रिंसिपल पार्ट मिला है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल पार्ट सिर्फ मिलता है और उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो जेड मेरा जो इक्वल टू -1 है करस्पॉन्डिंग टू दिस z+1, जो मेरा सिंगुलरिटी है जेड इक्वल टू -1, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि भाई जो है अगर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलता है प्रिंसिपल पार्ट में तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपको इसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हुई कि जहाँ एनुलस आपका चेंज करेगा आपका फंक्शन भी एक्सपेंशन भी आपका नया हो जाएगा, बस चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये एनुलस पे आपका डिपेंड करता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, राइट, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास में एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना काम का है हमारा लॉरेंज सीरीज, ठीक है। हम लोग इसको एक्सपेंशन से जाएंगे, एक्सपेंशन से काफ़ी बार क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए 1/z है, ओके, कॉस जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको भी पता है ये होता है 1 - z² / 2, ठीक है, प्लस z² / 4 एंड गोइंग टू शो ऑन, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करने से आपको ये आ जाएगा 1 - z, देयरफॉर z/2 प्लस आपका z³/3, ठीक है, इसके बाद आपका z5/5 इस तरीके से आएगा, ठीक है, factorial 4 होगा यहाँ पे ना, factorial 4, यहाँ पे आपका आएगा factorial 6, ठीक है, और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा जो है आपको पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पॉजिटिव पावर्स वाले टर्म है। पॉजिटिव पावर्स का मतलब ये है कि सारे आपके क्या हैं, रेगुलर यानी टेलर्स पार्ट हैं, ठीक है, जबकि आपको जो वनली जो प्रिंसिपल पार्ट है ये वो ये वाला है जिसमें आपको निगेटिव पावर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पार्ट मेरा ये वाला है, ठीक है। अब देखिए चूँकि यहाँ पर हमको प्रिंसिपल पार्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है, ये अब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, सो जेड इक्वल टू 0 नेवर बी रिमूवल सिंगुलरिटी, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा, अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते मेरे को प्रिंसिपल पार्ट में तब ये इसेंशियल होता, बट आपको सिर्फ एक ही टर्म मिला है जो एक फाइनाइट टर्म है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए 1/z एक फाइनाइट टर्म आपको मिला है और एक ही बार मिला है, तो डेफिनेटली जो जेड इक्वल टू 0 है वो क्या होगा आपका, वो पोल होगा, ठीक है, चूँकि जेड को क्या लिख सकते हैं, z-0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो जेड इक्वल टू 0 क्या होगा आपका, पोल होगा और इसका ऑर्डर 1 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पोल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है, और रेसिड्यू का भी हम लोगों ने जो है पढ़ा था रिजल्ट के, रेसिड्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं जेड इक्वल टू 0 पे, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जीरो, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका 1 ही है, क्योंकि कुछ मल्टीपल है नहीं तो 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है सी और डी, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको बहुत कुछ पढ़ना है और हम लोग पढ़ करके कंक्लूड करेंगे, और एग्ज़ाम में हमको क्या होना है, कॉन्फिडेंट होना है विथ दी एप्रोप्रिएट स्पीड। आपको स्पीड के साथ कॉन्फिडेंस से बनाना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी ना छूटे और आपका रॉन्ग भी ना हो। करेक्ट है। तो बहुत कुछ अभी पढ़ना है, अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, कंक्लूड करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सारे वीडियो में कुछ ना कुछ सीख रहे हो। पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। अच्छा ये भी लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, आई थिंक फॉर यू, ठीक है। बहुत अच्छा चैनल है, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, जितना शेयर करेंगे उतना मेरा चैनल प्रमोट होगा, ठीक है। और अच्छे कमेंट्स से आप मेरे को अच्छा एनर्जी दे सकते हैं, या कोई दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे, कुछ और भी एक्सपेंशन देखेंगे कि कैसे हम हर फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि मेरे लिए रिजल्ट निकालने का चॉइस बढ़ जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।